तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी नवी वीडियो, इसका बहुत बड़ा पोपट हो गया। ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हुआ। जो मैंने देखा था वो मुझसे हुआ नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैंने दो आम ले लिए हैं, मैंने तो कच्चे आम लिए हैं, ये वाले लिए हैं। इसमें ना गुठलियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो मैंने वो वाला लिया है। हम ना पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसका जो भी है इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है वो निकल जाए। तो हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, दोनों आम को हम छील लेंगे अच्छे से। इसे छीलने के बाद हम ना इसे एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। एक बार पता क्या हुआ, मैं ना गांव में गई थी आम तोड़ने, वो किसी का पेड़ था, हमारे घर पे है बट उसमें लगा नहीं था। तो मैं अभी अभी घर पे गई थी, तो मैं ना वहाँ पे चली गई, किसी को बताया भी नहीं, मैं चली गई आम तोड़ने। पता नहीं कैसे मुझे आम खाना था, पर मेरे को आम तोड़ना भी नहीं आ रहा था और मेरे को खाना भी था। फिर मैं ना किसी के साथ गई थी, वो भैया थे, उन्होंने बोला कि तुम साइड में खड़ी रहो, मैं तुमको आम तोड़ के देता हूँ। तो वो चढ़े नहीं थे, वो वैसे ही पत्थर मार के तोड़ रहे थे। पता क्या हुआ, उन्होंने एक पत्थर मारा और मेरे आके सर पे लगा और मेरा सर वहीं पे खुल गया। ओ बाप रे, घर पे मेरे को जो गालियाँ पड़ी ना, पहले तो मम्मी ने मेरे को बहुत डांटा, दवाई भी नहीं लगा रही थी ना ही पट्टी कर रही थी। पहले मम्मी ने अपना भड़ास जो था मेरे ऊपर निकाल दिया। फिर हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इसे कट करने के बाद फिर हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें ना पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। मैंने इसे धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर हम इसे इसमें डाल देंगे और इसमें जो हमने आम कटिंग किए थे छोटे छोटे पीसेस में, हम इसे डाल के अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के, हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ना ऐसे बड़े से छन्ने में रख के इसे छान लेंगे, सख्त वाला पार्ट होगा वो निकल जाएगा। हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे, जो भी सख्त पार्ट है इसे ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा निकल के रेडी है। मैंने इसमें का सारा जो सख्त वाला पार्ट था मैंने सारा निकाल लिया। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं उसमें अगर ये सब ना हो तो खाने में अच्छा ही ना लगे, ऐसे लगा हम कच्चे आम खा रहे हैं। तो हम इसमें डाल देंगे काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आपके घर में जो नॉर्मल नमक होते हैं ना, जो आप सब्जी वगैरह में डालते हैं, आप उसे भी डाल सकते हैं। अगर आपने काला नमक डाला तो अच्छा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को मैंने भून के अच्छे से पीस लिया है, तो हम उसे ऐड कर लेंगे। उसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुने हुए जीरे का, तो हम इसे भी डाल देंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ एक कप डाला है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या आम के जैसे कई बार आम होता है ना एकदम खट्टा सा आम होता है, जो मैंने आम लिए हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, तो मैंने एक कप लिया है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसे डाल देंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए कि ये जो सारा है मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हम एक पैन लेंगे, पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वो हमने जो आम का वो प्यूरी था तो हम इसे डाल देंगे और इसे डाल के अच्छे से हमें पकाना है। हम इसे चलाते हुए लगातार पका लेंगे। फिर पता क्या हुआ, मेरे को घर पे जाके इतनी गालियां पड़ी। खैर मेरी मम्मी ने दवाई तो लगाई नहीं, पहले मम्मी ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी मेरे ऊपर कि तुम आम तोड़ने गई कैसे। चलो आम खाने का मन था तो मम्मी कह रही मेरे उसे बता देती, मैं बाहर से ला देती, पर मेरे को बाहर का खाना नहीं था ना, मुझे खुद तोड़ के खाना था। पर मम्मी कह रही है ले मिल गया आम, खा ले जो लेके आई है। फिर मेरे को तो बहुत गालियां पड़ी, मुझे मम्मी ने बहुत ज्यादा सुनाया। फिर दीदी ने फिर मेरे को गई वो पट्टी पुट्टी करवाई, घर पे लेके आई तो मैं लेटी हुई थी, तो जिसने मुझे मारा था वो भी आया, वो कह रहा था ये क्या हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ ये आम निकला है ना जो तुमने मेरे को आम दिया था खाने के लिए, वही वाला है। सच में यार, कम से कम 3-4 दिन तो मैं उठी नहीं थी बेड पर से, मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। फिर हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर डाल के हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसका जो प्यूरी है एकदम गाढ़ी ना हो जाए। हम इसे अच्छे से चला देंगे। फिर मैं मुड़ के कभी गई नहीं ऐसे आम तोड़ने, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने कहा छोड़ो, मैं वैसे आम खरीद के खा लूंगी बट मैं तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। कभी आम तोड़ने तो कभी सर पे लग जाता है, कभी मैं खुद तोड़ती हूँ तो कभी मैं नीचे गिर जाती हूँ पेड़ पर से। तो चलो बातों में तो मैं बताना भूल ही गई आगे करना क्या है। तो ये देखिए हमारा एकदम जेली टाइप सब बन गया है, हमें बस ऐसे ही रेडी कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, एक मैंने ना ऐसे प्लेट लिया हुआ है, उसमें रिफाइंड डाल के मैंने पूरे प्लेट में रिफाइंड लगा दिया है ताकि ये चिपके ना। फिर हम इसमें जो पेस्ट जो हमारा जेली बन के रेडी हो गया है, मतलब आम का जो जेली था जैसे जो हमने बनाया था, हम इसे डाल देंगे। हम इसे डाल के अच्छे से सेट कर लेंगे
प्लेट में जैसे फैला देंगे। इसे फैलाने के बाद हम ना इसे 3 दिन पंखे की हवा के नीचे छोड़ देंगे। मैंने ना कहीं देखा था, मैंने लगातार 3 दिन छोड़ दिया पंखे के नीचे, पर ये पता नहीं कैसे 3 दिन छोड़ने के बाद भी एकदम बेकार ही था। जैसे मैं क्या ही बताऊं, ये हुआ ही नहीं, जैसे मैंने देखा था वैसे वो बना ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने फ्रिज में भी रखा था, 3 दिन वैसे भी रखा था, बट ये हुआ नहीं, मेरे से हुआ ही नहीं था, ये जमा ही नहीं था। उनका देखो और मेरा देखो, बहुत फर्क था। ये थी मेरी वीडियो जो मेरे से वो खराब हो गई थी, जिसका मेरा पोपट हो गया था। मैंने सोचा क्या था और मेरे से बना क्या, बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैंने देखा कैसे था, मुझे लगा ऐसे ही बनेगा। पहले शुरुआत में तो सब अच्छा होते गया, हाँ जैसे मैंने देखा था मैंने वैसे वैसे बनाया, वो बहुत अच्छे से बन गया था। पर आखिरी में जाके पता ही नहीं क्या हुआ, 3 दिन उसने भी पंखे के नीचे रखा था और 3 दिन मैंने भी रखा था। उसने जो जो सामान डाला था मैंने भी वही वही डाला था, पर पता नहीं कैसे उनका ऐसे बना और मेरा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आप भी प्लीज ध्यान रखें, आप भी इसे बनाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत बनाएं, आप बनाएं इसे, पर इसे ना आप ना इसे जैसे 2 से 4 दिन पंखे के नीचे ऐसे रखना, हवे के नीचे रखना। मैंने 3 दिन रखा था, शायद मेरे से इसलिए खराब हो गया था। अब 3 से 4 दिन तक पंखे के नीचे रखना, आपका भी अच्छा से बन जाएगा, बट मेरा हो गया खराब। कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी हो जाता है, कई बार नहीं बनता है। ऐसे नहीं होता कि जो आपने देखा वो वैसे ही बने, कई बार हो जाता है खराब। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए। ऐसी नहीं बना के दूंगी जैसे मैंने बना के दिया है, अच्छी वाली बना के दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।